पहला जो आपने स्टेप करना है जब भी तुम इसमें डाल दो तो हो जाना ऐसा है ठीक है स्टॉप रिसीव पॉट इसके जाओ पहले देखो इस लोग जिस भी लोकेशन पे बस नहीं 181 पे नहीं मैं जाऊँगा 165 पे जाऊँगा मैं नहीं ना भी क्लिक कर सकता सही आएगा वो तो ही करेगा मैं इस लोकेशन का बता रहा हूँ कि यहाँ तो अपनी लोकेशन डाल के फिर स्क्रीन बटन पर प्रेस करना यहाँ में एक्सरसाइज करना यहाँ देख रहे इसमें दो आए हैं मेरे पास जो रिसीव होने वाले हैं एस टी एम तो क्लिक करो वो टू पे क्लिक करो अब ये सारा सी एम का किट का सामान है पूरा पूरे किट का सामान आया हुआ इसको तो रिसीव एक चीज और देखती हूँ जब हाँ दफा लोकेशन डालनी पड़ेगी जब भी तू स्टॉक रिसीव करेगा ना एक खाली है अभी देखो ये 20 तारीख का आया हुआ है ठीक है आज 21 है मैं चाहूँ तो इसे 20 में भी रिसीव कर सकता हूँ यहाँ मैं डेट 21 की जगह 20 का है तो इसको सेव करेंगे 20 में लेकिन एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप पिछला रिकॉर्ड ले रहे होते हैं ना तो फिर 10-10, 12-12 दिन या महीना पहले का स्टॉक आया है तो वो उसी डेट में रिसीव कर रहा है उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर तुमने कोई कंजम्पशन डालनी है ना उसमें 20 तारीख में तो वो कुछ तब तुझे ये सारा सामान उसमें नज़र आ जाएगा वरना ये सारी आइटम तुझे 21 ऊपर डालेगा जब ओजी 21 की तो 21 में नज़र आएगा 20 नहीं है बाकी ये थोड़ा सा देखना होता है बाकी एक भी दिन का कोई ज्ञात नहीं अभी ये मैंने सिर्फ सेव की है ठीक है ये मैंने सेव की है अभी इनको चेक भी करना है चेक करने के लिए फिर जाना 165 अब यहाँ पे देखो वाउचर नंबर आ रहा है 9 गो टू पे जाओ और यहाँ पे लिखो कीट मतलब ये जो अब बनाना था उसने वो वाउचर 9 बनाना था लेकिन हमने तो इससे पीछे वाला खोल लिया ना क्योंकि हमने सेव की है तो गो टू 8 पे डाल के करोगे तो ये पिछला आ गया और ये लिखा है अनपोस्टेड इसको करो चेक और उसके बाद प्रीवियस ये वो इस नियम वाली किट आ गई ये भी अनपोस्टेड पड़ा है इसको भी चेक करके ये दोनों वाउचर रिसीव हो चुके हैं और हमारे स्टॉक में आ गए इससे पीछे वैसे मैंने सारे किए हैं पोस्टेड 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 चले चीज दुकान को लोग आ गई जी सर मेरे में जी सर अब ये हो गया स्टेप खत्म तेरा पहला ऐसा रहने दो सी का ये जरूरी है ठीक है ये छोड़ में हमने करना वरना कंजम्पशन के लिए तेरे पास आइटम नहीं होगी ठीक है सेकंड ये मैं करता हूँ कि स्टोर में जाता हूँ रिपोर्ट्स में गए जी स्टॉक स्टेटमेंट में गए और करंट स्टॉक जो है वो उठा लेना आपने ठीक है लोकेशन वाइज यहाँ पे उस लोकेशन का जिसका स्टॉक ने उठाना है वो लोकेशन दे देना लोकेशन डालनी बाकी फिल करनी है तो कर लो अब जैसे ये है ना नहीं वैसे बता रहा हूँ जैसे ये है ना कॉल सेंटर तो यहाँ तू कॉल सेंटर एंटर कर सकता है ओवरहॉलिंग समझ में ये सब आता है या खोलोगे ना तो एक प्रोजेक्ट आईडी है डाटा आ जाएगा सारा प्रोजेक्ट आईडी है फास्ट प्रोजेक्ट का ही सिर्फ डाटा उठाना PMCL का लेना नोकिया का लेना या और जो भी है तो एक चल रहे लिखना है लाजमी नहीं ज़रूरत नहीं है बस यहाँ पे ये डालना अगर वो नहीं आया तो उनका सामान भी नहीं आया होगा ठीक है ओके करेगा तो ये तुझे पूरी रिपोर्ट खोल देगा 21 दिनों की ये कम से लेके 21 तारीख तक की तो ले स्टार्ट डेट एंड एंड डेट मैंने वो चेंज से की शायद अच्छा भी जाता ओके सारे दिन जल्दी खुल जाएगा जहाँ से
सकते हैं यार, ये भी इतना ही सही है। इसके आगे यहाँ से कुछ एक आदमी और
अरे ये कि जब तू डाले रहा कंसम्पशन तो तुझे यहाँ से आसानी से हर चीज की ये मिल गई पैनल, ये नंबर है, ये सारे फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक करके जो किसी भी कॉलम पे क्लिक करेगा खुद ही एड्रेस आ जाएगा। तो ईद की वजह से ना ठीक है, अब ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हम जिस फिल्टर क्या फिल्टर अलग से नहीं है, फैन बेल्ट नहीं है, बाकी तो हम वो जब डालेंगे तो वो हिसाब से। अगर तू मजीद सैटिस्फेक्शन करना चाहता तो रेटिंग के हिसाब से यहाँ से जाके मसलन तेरे पास दो तीन रेटिंग के इंजन है, मसलन 20 KVA एक है, 20 KVA लिख तो सारा 20 KVA निकाल दिया उसने, ये जितना सामान है ना ये अब सारा 20 KVA का है। ठीक है, ये देख यहाँ देख ही सकता है, ये देखिए इसकी 20 20, ये सब में 20 है। यहाँ भी जाते कंटेंट मशीन पूरा 13 KVA बाइक पे है, 30 KVA का गाड़ी है, ये देख मैंने जो करना है सिर्फ यहाँ पे इसी ये देख 30 KVA है, एंटर कर ये सारा 30 का आ गया, ये देख 11 मॉडल ये आ गया, ये सारे आप ये जितना सामान है ये तेरा 30 KVA और ये आगे क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, ये सारी इससे ज्यादा नहीं तू डाल सकते, अगर ये नहीं है ना सब बस जैसे यहाँ पे और एक और चीज है इंजन ऑयल वो भी डालना है, यहाँ पे लिखूँ इंजन ऑयल तो ये जितने भी इंजन ऑयल है और जितनी जिस क्वांटिटी में वो आते हैं। ठीक है, यहाँ से तुमने ये इंजन ऑयल पकड़ लेना है, ये 30 लीटर गया हुआ है, 10 लीटर गया हुआ है, हाँ ये 30 10, ये 1 लीटर पड़ा है, ये इसका ठीक है। अब आते हैं जी, इसको करते हैं मिनिमाइज, ये मिनिमाइज किया, इसको थोड़ा खोल, इसको करो बंद, यहाँ पे जाओ स्टोर में, IPR में जाओ, पहला स्टेप ये है। ठीक है, यहाँ पे जिस डेट में डालनी है, जिस लोकेशन पे डालनी है और आगे इसमें कह दी एम्प्लॉई आईडी, ये मुझे पता है उसका आईडी तो मैं लिख रहा हूँ, गुलाम हुसैन का। सही वाले में कोई मैकेनिक पकड़ लेना, जिस जो होगा उसका आईडी लिख लेना, बाय नेम सर्च कर लेना, कॉल सेंटर हमारा है 01 नीचे लिख दी इसने, कॉल सेंटर 0102 और प्रोजेक्ट अगर नहीं नंबर पता तो यहाँ लिखो PMCN, ये ओ एंड एम ओवरहॉलिंग सप्लाई है। ठीक है, ये मैंने ओवरहॉलिंग सेलेक्ट कर दी, इसका कोड है जी 0601 PMCL ओवरहॉलिंग, मेरी राइटिंग तो सभी दो बैटरी जब वो कहता है कि ये जॉब आईडी आ रही है एग्जिस्ट करता, मतलब जब इस साइड के अगेंस्ट में जब डाल दूंगा ना कंसल्टिंग दोबारा ये नहीं डालेगी, दोबारा मैं अगर इसी साइड के अगेंस्ट नहीं डालने की कोशिश, फिर मैं चार्जेबल है, फिर मैं FOC डाल सकता हूँ, वारंटी डाल सकता हूँ, एक साइड के अगेंस्ट 3 कैटेगरीज है। ठीक है, अगर मैं चार्जेबल में इसको एक दफा क्लेम कर लूंगा ना दोबारा मैं चार्जेबल नहीं डाल सकता, कभी भी नहीं डालते, तो वो दोबारा रीडिफाइन हो सकता है ना, मतलब यही साइट हो, मैं कमर्शियल वालों को मेल करूँ कि इसको ERP में डिफाइन कर दे, वो इसके अगेंस्ट नंबर जो है वो यूनिक होता है, साइट आईडी तो एक जैसे दो तीन हो सकते हैं ना, ये नंबर नहीं होगा, ये जॉब आईडी डिफरेंट ही होगा हर एक का, तो वो एक और जॉब आईडी लगा देंगे, जब वो तू डालेगा तो उस साइट के अगेंस्ट फिर डाल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहला जो है ना स्टेप, ये बड़ा क्रूशल स्टेप था और इसका ध्यान रखना होगा, मेरे साथ तो हुआ, मुझे पता है इसलिए ये मैंने सब करना है। ठीक है, आप आगे पीछे पीछे ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक जब हो जाए एंटर, उसके बाद आपने अगला काम पकड़ लेना है। ठीक
30 के जी कहेंगे ना अपनी एक्सेल की शीट पे गए, शीट पॉइंट पे हम आया करते हैं, वैसे इंजन ऑयल खुला है, इंजन ऑयल ही पकड़ लेते हैं पहले, ठीक है, वे बाद में फिर हमने इधर ही आना, डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो जाएगा, यहाँ गए क्वांटिटी रिक्वायर्ड में ये 10 का, ठीक है, अगला जो डालते हैं वैसे ही होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे गए हम 30 के वी की आइटम्स ही डाल लेते हैं, ये सारी 30 के वी के करेंगे, ठीक है, सेफ्टियाँ पकड़ लेते हैं पहले जी, हैं ये वाटर टेम्परेचर ऑयल प्रेशर वाली पकड़ ली, ठीक है, उसके बाद बेरिंग किट है जी। अब ये दो तरह की है मेरे पास, एक है 20 में एक है 0-10 में, कोई भी डाल देते हैं। अच्छा, ये कोड सेव करके भी तो रख सकते हैं, डायरेक्टली पेस्ट कर लिया गया, मैं बताता हूँ उसका तो एंड पे बताऊंगा, जो बेसिक बता रहा हूँ ना वो भी बता देता हूँ तुझे, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ अगर तेरे पास कुछ भी ना हो, तूने जीरो से स्टार्ट लेना हो तो तब ये कर, अगर तेरे पास डाटा कुछ मौजूद है फिर तो तू उससे भी फायदा ले सकते, क्योंकि ये वो है जो मैं किया करता था शुरू में बेसिक्स। आगे जी आपके ये आगे हाँ फिट आ गई है पिस्टन और इनकी नौ है, ये हम यहाँ से दे सकते हैं, यही सबसे मुश्किल स्टेप है इसमें, ये लाइनर ले लीजिए, ये पता नहीं है काशी बैठ के डालना, हाँ ये ऑयल सील ऊपर देखने क्या लिखा है, ऊपर लिखा आ जाता है जो भी बंदा आपकी पे कर रहा था ना, स्टार्टिंग वाला टर्मिनल जिसका मर्जी हो, लेकिन उसके बाद ये जो लॉगिन है ना वो जिसका होगा नाम भी सीधा है, टर्मिनल मतलब तू सामान लगा के आगे ये लॉगिन मेरा लगा देता, मेरा नाम नहीं आएगा, ये अभी देखो ये क्यों नहीं कर रहा, पहले डालनी थी उनको आप फिर डाल के दोबारा से खत्म करना, उसके बाद ये वॉल आगे इनटेक और एग्जॉस्ट, अभी देख एक तार है, अगर तो ये सेट में हुआ तो काम चल जाएगा, ना हुआ अगर क्वांटिटी में नंबर्स पे आया फिर नहीं, चेक कर लेते हैं सेट, ठीक है ठीक है, इसको ये काम कर सकते हैं, गाइड वॉल आ गई जी, ये नंबर्स में ये चेक करेंगे, उसके बाद टॉप बॉटम आ गई, देखिए ये सौखा काम नहीं है, आसान अभी तुझे पता लगे, उसके बाद कुछ कनेक्टिंग रॉड, वॉल हमने डाल दी है, ठीक है, सेम चीज़ की डाल दी है, लाइनर डालेगी,
आगे तक इतना सारा सामान हमने डाल दिया, सिर्फ ये पाइप रह जाता है अंदर वो भी डालना है। होस पाइप है, इंजन माउंटिंग, ये दो चीजें डाल दे वही बस। अभी इंजन माउंटिंग आ रहा है, ये दो डाल दे। बस B51 आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं जाने का, पूरा तो कर दूँ। उसके बाद फिल्टर को कर लो, फिल्टर में कौन सा जी 205 एयर फिल्टर 206 दे दे 300 का तो ये फायदा बताऊंगा। ये इस पे हम मेहनत कर रहे हैं, अगले हम मेहनत नहीं करेंगे, दूसरी के लिए दूसरे तरीके से होता है। अच्छा इसके बाद ये हो गया, उसके बाद बता फ्यूल फिल्टर। फ्यूल का नहीं है ये, 777 वाला होगा फ्यूल, यही डलते हैं 777। और एक और फिल्टर है ऑयल 400 वो ही है 777। लो जी ये हमारी कंप्लीट है, ठीक है। फिल्टर डाल दिए, फैन बेल्ट डाल दी, ऑयल हमने स्टार्टिंग पे डाल दिया। अब जो कुछ सामान आ रहा था जितना चीज़ है ये था वो तो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो सिर्फ पीकिंग है, इसको जाके किया सेव। कोई टेंशन नहीं, अभी ये दो दो दफ़ा खुलेगा हर चीज़। अब इसको एक दफ़ा सेव किया ना, अब फिर यहाँ पे तो जाना 165 लिखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा है 6। जो वाउचर नंबर यहाँ पे लिखा है ना गो टू में, उससे पिछला तुमने एंटर करना है। यहाँ 5 लिख के ओके करना तो वही वाला खुल जाएगा, ऊपर लिखा होगा अनपोस्टेड। इसको जब तू चेक कर देगा ना ये हो गया पोस्टेड। अब ये थी स्टोर एक्विजिशन मोड, कि हमने रिक्वेस्ट की है ना ये पार्ट चाहिए कंज्यूम करने। अब नेक्स्ट जो स्टेप है ना, फिर तूने इसको कॉपी कर लेना है वाउचर नंबर को, और स्टोर में जाके पिन में चले जाए पार्ट्स इश्यूएंस में। अब यहाँ पे आपको ये इशू करेगा पार्ट, यहाँ पे ये सारा कुछ लिख के यहाँ क्लिक करना है कॉपी स्टोर एक्विजिशन, और यहाँ पे आपने पेस्ट करके दे दिया है वो पीछे वाले को, नहीं पिछला हमने ये इससे पीछे जो था दिखा जो कॉपी किया था वो GQ था, ये SE है। अच्छा ये GQ वाला वाउचर है, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर ऊपर जा रही है ना बार, वो यहाँ पार्ट कॉपी हो रही है। अच्छा ये ERP थोड़ा टाइम लेता है, ये देखो मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखो पिछला वाउचर पीछे ही खुला, ये वाला ये कॉपी की है, ये पीछे वाला जो हमने SP टाइप निकाल रहा था उसको इसमें पेस्ट किया है। तो ये सारे पार्ट्स यहाँ खुल गए, लेकिन अब यहाँ एक चीज ये नजर आएगी वो तो ना गौर करना। यहाँ तो जो बता रहा है स्टॉक इन हैंड क्वांटिटी इशू,
ठीक है, ये स्टॉक इन हैंड है, ये हमेशा तेरा फिगर हाँ ज्यादा होना चाहिए और इससे ऊपर आना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी क्वांटिटी कम है ना तो उसको डिलीट कर देना, क्योंकि वो डल जाएगी इधर से, क्योंकि सेव ही नहीं होगा, माइनस में कोई भी चीज़ है वो नहीं आगे जाएगी। अभी ये तकरीबन मुझे तो ये सारे ठीक लग रहे हैं, ठीक है ना, अभी तक किसी ने मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं करनी। इसको जाके तूने करना सेव और फिर दोबारा इसी वो से पोस्ट करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें गो टू पे जाना है और यहाँ पे देखा छह लिखा है तो यहाँ लिखो पांच, गो टू कर दो। अब वो फिर अगेन वही चीजें खुल गई है, ठीक है, ये अनपोस्टेड है, इसको चेक कर दो। अब ये लास्ट स्टेप पे आते हैं, हम आने लगे थर्ड स्टेप पे, ये हमें इशू हो गया समाप्त, ठीक है। तूने ये अब कॉपी ये कर, ठीक है, ओवरहॉलिंग जॉब आई डी कॉपी कर ले उस साइड पर, कॉपी किया ऑपरेशन में गए, ओवरहॉलिंग जॉब एग्जीक्यूशन में गए, यहाँ पे आपने लोकेशन एंटर की, वाचर नंबर खुद ही आ जाएगा, विजिट टाइप किया तुझे बता दो दफा डाल सकती है इस टाइप के चार्जेबल एफ ओ सी, क्योंकि चार्जेबल ऐसे ही हम इसको यहाँ लेंगे। अब जब यहाँ आएगा जॉब आई डी तो मैं पीछे से जो कॉपी की इधर पेस्ट कर लेंगे, खुद भी फिल हो जाएगा सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सुपरवाइजर का नाम डाल दो, स्टार्टिंग रेट कुछ भी आप जो आपको लगता है इसे आपको कॉपी करेगा। और ये जो दूसरे स्टेप में चीजें हैं आपको कॉपी कर, मतलब इसके अगेंस्ट आपने ओवरहॉल कब शुरू की कब खत्म की वो इतने और बताना ना, ये सारी आइटम वही आ गई, इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब तुमने सिर्फ ये करना है जॉब्स में जाना है, यहाँ पे एक हेड होता है 0221 सर्विसेज फॉर मेजर ओवरहॉल, इसको नो करके, ठीक है, इसमें वन क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, इसको कॉपी कर लेना वॉचर को और इसको सेव कर लेना, ठीक है। इसको जाके अपने ट्रैकर में देखने कौन सी साइट ये वाली 28 12 28 12 की, ये देख 28 12 मैंने नीचे वाली देखी, उसके आगे जाते तो इसका कन्वेंशन नंबर देख लेंगे। ये सही जो बेसिक तरीका था कि अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे कंप्लीट करना, अब तो ये शॉर्टकट भी बता रहे हैं। जैसे देखना ये बस नीचे 31 का फिर ऊपर 20 का तो ये नहीं जाते, लेकिन ये दूसरे पे मैं ये लगा सकता उसके लिए ये कर सकता है। तो हर एक के लिए ना जीपीओ अलग अलग बना कर रखी हर रेटिंग का, यही वजह ना, ये जैसे एक जीक्यू बनाया था ना एसक्यू टाइप जो तू गया था डाक पे, ये एक मैंने बना के सेव कर लिया ना, मतलब ये 5 नंबर, अब तू एक 6 नंबर बना ले, 20 के लिए एक 7 नंबर बना ले, तो इसके लिए टाइम लगेगा, एक दफा टाइम जाया कर ले, लेकिन वो सेव करके रख दिया। ये तो वाले आईडीज होने चाहिए ना, ये वाले खुद ये सेव है, अब तुमने इसको पकड़ना है, इसको इसको वॉचर नंबर ये तुमने याद रखना, इधर गए, ठीक है, इधर से तुमने थर्ड वाला ये वॉचर नंबर वाला सेलेक्ट किया आईडी,
यहाँ पे मैंने पेस्ट किया वही वाला उधर। अब ये क्या करेगा, उसको कॉपी करते हैं, इसी को अगेन एक कॉपी खोल लेंगे, ठीक है, जिसको तू एडिट कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो पोस्टेड हो सकता है। अब ये जो है ना, ये अनपोस्टेड वाला है, ऊपर लिखा पोस्टेड है, लेकिन उसको मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि ये कॉपी नहीं है। बदलूंगा ऐसे कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने वही रखनी है फैसलाबाद। जब तू अपने साहिबाग का करेगा तो लोकेशन भी बदलनी, तू चाहे डेट भी बदल ले, तू ये सुपरवाइजर भी बदल नहीं, ये भी बदलना ही नहीं, ये तो मैं बदलना ही बदलना ना, क्योंकि मैंने दूसरी वेबसाइट पर डालना है इस वाली का, ठीक है, उसका तो डालना ही नहीं। तो मैं यहाँ जाके साइट आईडी चेंज कर लेता हूँ, लेकिन एक चीज मैंने ध्यान रखना है, इसमें तो ये याद है सेट एक ही था हमारे पास, ये वाला वॉल का, वो मैं तो ये दिखाऊंगा अगले स्टेप में, वो मैं डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से वॉल, ये ओवर साइज वाले पड़े हैं मेरे पास, ये खपा के इनको तीन तीन को इसको जीरो कर देते, अब इसको मैं करता हूँ सेव, अब ये 6 नंबर हो रहा है सेव, ठीक है, वो 5 था, थोड़ा सा यहाँ ईआरपी मसला ये करता है कि यहाँ लिखा है 7, मैं यहाँ 6 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5, वो इसलिए क्योंकि जब मैं 6 लिख के एंटर करूंगा ये एरर दे देगा, फिर मुझे दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, ये एक इसके अंदर है। जब पहली दफा आप डालते हैं ना कंजम्पशन तब कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप शुरू हो जाते हैं ना एक ही, एक के बाद दूसरी तीसरी, तब ही ऐसे करता, फिर मैं हमेशा एक नंबर पीछे रखता हूँ, पिछला वाउचर खोल के उसको नेक्स्ट कर देता हूँ तो वो अगले पे आ जाएगा, बस मैं यहाँ से अगले पे आ जाएगा ना, अगले 5 वही 4 नंबर खोल दिया तो ये आ गया 6, ठीक है, ये बड़ा अनपोस्टेड, इसको चेक किया, अब ये चेक हो गया, इसको करो कॉपी, स्टोर में गए, पिन वाला खोला 165, इसको अब तो देख कितनी देर में डलती है, देखते हैं तो 20 का हमने स्टार्ट किया, ये इसका फायदा है, तो वो जो टाइम मैंने उस पर ज़ाया किया था ना, ये पे टाइम का था वो नहीं होना, अब सिर्फ ये इसने ईआरपी जो कि स्लो स्लो चल रहा है ये टाइम दे रहा है, ये सारी खुल गई। अब इसमें एक चीज दिखानी, एक तो ये देख ये 0 हो गए तेरे, ये हमें याद नहीं रहा, सेफ्टी स्विच 0 है, इसको डिलीट किया, ऑयल सील भी एक ही थी वो भी डिलीट कर दो, ये वॉल और एग्जॉस्ट ये 0 हो गए क्योंकि एक ही सेट था वो हमने नहीं लिया, लेकिन इनके मुतबादल हमने नीचे डाल दिए, और वो भी अब 3 हो जाएंगे, ये भी नेक्स्ट टाइम अब 0, वैसे भी मेरे पास अभी 30 का कोई बचा नहीं है। तो इस तरह से तू देख के ये स्टॉक खुद भी माइनस होता जाता है, जब एक कंजम्पशन डलती है दूसरे में वो आता ही नहीं, ठीक है। अब ये जरा ठीक है, तकरीबन बाकी होते हैं, मुझे नहीं लग रहा बाकी में कुछ बन पड़ा होगा, तो वो होगा तो वो सेव ही नहीं करेगा, अगर कोई गड़बड़ निकल आएगी ना अभी सेव करेगा, पोस्ट नहीं करेगा, ये पोस्ट का टाइम रोला डाल देगा कि जी यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ मैं 6 डाल रहा हूँ, ये 6 मेरे खोल देगा, खुल गया ना 6, इसको करो चेक, बैठे बैठे क्लिक की करना, अब ये सही हो गया, अब इसको करो कॉपी, ऑपरेशन में जरा
ओवरऑलिंग जॉब एग्जीक्यूशन में जो आप इन लोकेशन को चार्जेबल सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ सुपरवाइजर जॉब्स वाला ये नहीं तो ना भूलना, इसको डबल टू वन जरूर करना, वन का इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, इसको सेव कर दो। फोन तो जो मैं की करता है पहले मैं वीडियो सेव करने के लिए इसको कैंसिल करते हैं।